सच्चूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं अविनाश वसन आज फिर आप लोगों के साथ ग्राउंड रियलिटीज के सामने आया हूं। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं जो सुशील जी हैं, ये डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन, ऑल जेएनके के चेयरमैन हैं। साथियों इनसे जानना चाहेंगे कि मीडिया के सामने आने का आज इनका मुख्य कारण क्या था, इनकी जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन। मैंने आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि अर्बन लोकल बॉडी की इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और हमारे दिव्यांग भाई भी इसमें शामिल होने चाहते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें। इसी मसले में मैं कल रिटर्निंग अफसर अखनूर SDM गोपाल सिंह जी से मिला, उनको मैंने अपनी एसोसिएशन की तरफ से एप्लीकेशन दिए कि हमारी एप्लीकेशन दीजिए और हमें 13 वार्डों में अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं दिव्यांग लोगों को, उनके लिए हमें सामान प्रोवाइड कराइए, लिस्टें वगैरह जो भी आपके पास सामग्री है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक मैं 12 साल से दिल्ली में हूँ, आज तक मेरे साथ किसी अफसर ने ऐसा बिहेव नहीं किया है जी। और उन्होंने मेरी ये एप्लीकेशन ऐसे फेंक दी जैसे डस्टबिन में फेंकते हैं और मुझे कह रहे हैं आपका जहाँ कोई फार्म बना जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ से आप जम्मू जाओ, जम्मू CEO के पास इसी के पास कहाँ जाना मुझे नहीं पता है, उनके पास जाओ, अगर आपको इलेक्शन लड़ने का शौक है आप जम्मू जाके फार्म भरो, जहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना हमारे पास लिस्टें हैं, ना हमारे पास फार्म है, ना हमारे पास कुछ है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैंने फिर उनसे पूछा कि सर आप सही कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, जब तक मैंने कह दिया आपको कुछ नहीं है मेरे, आप जाओ जहाँ, अगर इलेक्शन लड़ने का शौक है आप जम्मू जाओ। फिर पूछते हैं कि आप म्यूनसिपल में कमेटी में हो, मैंने कहा सर म्यूनसिपल कमेटी में हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़नी है। मेरा मतलब कहने का ये है कि इतना मिसबिहेव मैं आज तक नहीं हुआ जितना उन्होंने कल शाम को मुझे 4:30 बजे अपने आप से करते।